नागपुर में जनता कर्फ्यू का ऐलान होते ही वाड़ी में लोगों की उमड़ी भीड़। कोरोना संक्रमण के बढ़ते नागपुर में दो दिन की जनता कर्फ्यू का ऐलान की खबर आते ही वाड़ी शहर में दिन भर कर्फ्यू की चर्चा चली। वाड़ी में कर्फ्यू है या नहीं इसकी जानकारी नहीं होने से लोग संभ्रम में पड़े थे। दो दिन दुकानें मार्केट बंद रहने की डर से वाड़ी में दिन भर लोगों की मार्केट में भीड़ नजर आई। भीड़ में सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल भी पालन नहीं किया गया। वाड़ी में अब तक 25 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। भीड़ इकट्ठा होने से संक्रमण बढ़ने का खतरा मंडरा रहा है। जनता कर्फ्यू के डर से शुक्रवार को दिन भर लोग सामान्य जैसे होकर सड़कों पर उतरे और खरीदारी करने लगे। वाइन शॉप की दुकानों पर लंबी कतारें लगी हुई थी। इस संदर्भ में नगर परिषद मुख्याधिकारी जुमा प्यारे वाले से पूछने पर उन्होंने बताया कि वाड़ी में जनता कर्फ्यू लगाने का जिलाधिकारी से आदेश नहीं मिला, लेकिन लोगों ने बिना काम के बाहर न निकले व दुकानदारों ने मास्क सोशल डिस्टेंसिंग पर ध्यान दे। अब तक वाड़ी में जनता कर्फ्यू के कोई आदेश नहीं मिलने की जानकारी प्यारे वाले ने दी है। वाड़ी पुलिस स्टेशन नागपुर शहर पुलिस आयुक्तालय में आता है, जिसके कारण लोगों को लगा कि वाड़ी में भी जनता कर्फ्यू होगा। इस संदर्भ में PI राजेंद्र पाठक ने बताया कि शुक्रवार की शाम 7 बजे तक बंद के कोई आदेश नहीं मिले, लोगों ने मार्केट में भीड़ ना करे ऐसा ऐलान भी पाठक इन्होंने किया है। इन BCN न्यूज के लिए वाड़ी से सुनील शेट्टी के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट।